गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर एसएसटी क्लास। आई हैव सेंड फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू रिसोर्सेज। नाउ दिस इज द सेकेंड वीडियो। इन फर्स्ट वीडियो आई हैव डिस्क्राइब व्हाट इज रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड। कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। ओके, जस्ट लाइक अ पेन। जब हमें पेन की नीड होती है टू राइट लेटर और अ नोट, दैट इज अ रिसोर्स। विच वन इज पेन? नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ डायरेक्टली हमें नेचर से प्रोवाइड होती है, बिना किसी भी चेंजेस के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो वो होती है नेचुरल रिसोर्स। जस्ट लाइक एयर, वाटर, हमें ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, पीने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और बोथ ऑफ दीज हमें कौन प्रोवाइड करता है? नेचर। सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस मीन्स सम रिसोर्सेस चेंज्ड वन रिसोर्स टू अनदर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जस्ट लाइक एरन, ये एक मिनरल है एरन ऑर। ओके, जो हमें कहाँ से मिलता है? थ्रू द माइनिंग। माइनिंग होती है तो जस्ट अ रॉ मटेरियल ये हमें मिलता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे बनता है आयरन। ओके, आयरन और से बनता है आयरन। आयरन मीन्स लोहा, और उससे बनते हैं व्हीकल्स, मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें व्हीकल्स हैं, मशीनरीज हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ये सभी क्या हुए? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स पीपल। ओके, जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक इंसान की, एक पीपल की। अगर वो नहीं होंगे तो ये सब एक्टिविटीज नहीं होंगी। जैसे मम्मा है, खाना बनाती हैं, रॉ मटेरियल मिलता है, ओके, सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलती हैं, मम्मा कुकिंग करती है, तो मम्मा कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। और बनने के बाद डिश बन जाती है। ओके, बहुत सारे स्पाइसेस मिक्स होते हैं और एक डिश क्रिएट होती है, तो मम्मा कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस गिवन बाय द नेचर, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस थ्रू द ह्यूमन एक्टिविटी, इट्स कन्वर्ट वन रिसोर्स टू अनदर, एंड ह्यूमन रिसोर्स इट मीन्स पीपल सेल्फ। इसका मतलब होता है कि पीपल का स्किल, उनकी नॉलेज, उनकी टेक्निक्स जो होती हैं वो होती हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस कंसेप्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, ये तो था रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। ओके, ये थ्री कैटेगरीज थी, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, देयर आर फोर टॉपिक्स, फोर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स देर आर टू कैटेगरीज हियर, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज मीन्स कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी, एक्यूरेट क्वांटिटी या नियर अबाउट क्वांटिटी हमें पता होती है कि ये रिसोर्स यहाँ होता है, रिचेस्ट एरिया इसका यहाँ होता है। जस्ट लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिचेस्ट एरिया इन द वेस्ट एशिया। ओके, एंड डार्क सॉइल मोस्टली प्लेट्यू इन महाराष्ट्र।
In other words, I can say to here, actual resources are those resources whose quantity is known. Okay, जिनकी हमें quantity के बारे में पता होता है, उनकी using के बारे में हमें पता होता है कि petroleum का use यहाँ होता है, petroleum यहाँ से extract होगा, फिर इसकी यहाँ refinery होगी. Okay, तो ये सब जो processing होते हैं वो आते हैं actual resources. Second is potential resources. Potential resources means entire quantity may not be known. पूरी की पूरी quantity कहाँ है और किस तरह की location में है वो हमें पता नहीं होता है. Okay, just like uranium. Presently research is going on, चालू है research uranium की, कहाँ है, किस तरह से है और mostly uses कहाँ होंगी इनकी, right? Now on second category, on the basis of origin. ऑरिजिन मीन्स शुरुआत. तो दो तरह के इसमें बेसिस में कैटेगरीज आती है, अबायोटिक एंड बायोटिक. इन प्रीवियस क्लासेस यू वेरी वेल नोन अबाउट इट, व्हाट इज अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कम इन दिस ग्रुप, यू नो, जस्ट लाइक वुड, स्टोन्स, सॉइल. These are non-living things, and biotic means living things. All living things come in this category. Biotic means plants and animals. Okay. Now, on third basis, on the basis of stock. Stock means कितनी उनकी condition है या कितनी उनकी quantity है यहाँ पर, किस तरह से उनका यूज हो रहा है और कितनी मात्रा में वो जा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में वो वापस आ रहे हैं. तो टोटल ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक दीज आर टू कैटेगरीज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मींस दीज आर रिप्लेनिश्ड कैटेगरी. जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. जैसे हम सोलर एनर्जी जानते हैं ना, आपके स्कूल में लगे हुए हैं ना सोलर पैनल्स काफ़ी छत पर, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती. तो जितनी भी सन एनर्जी आती है डायरेक्टली इट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द सोलर एनर्जी. कितनी भी सन रेज आती रहें, ओके, और उनसे सोलर एनर्जी जनरेट होती रहती है, उसकी कोई कमी नहीं होती. नेचर इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूसली टू अस सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. हवा तेज तेज चलती है तो विंड मिल्स होती हैं और वो क्या जनरेट करती हैं, विंड एनर्जी. ओके, तो कंटिन्यूसली इनका रिप्लेनिश्ड होता है, जितना हम यूज करते हैं ये और आती जाती हैं. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड रिसोर्सेज. जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम. कोल पेट्रोलियम जितना हम इनको एक्सक्वीटेड करते हैं, ओके, माइनिंग करते रहते हैं, इनकी क्वांटिटी कम होती जाती है दिन दिन पर दिन, डे बाय डे. दीज आर गोइंग, दीज आर नॉन रिप्लेनिश्ड. ओके, बिकॉज दे नीड टू मेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि इनको बनाने के लिए हजारों साल लग जाते हैं. साइंस में आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर ही चुके हो, इन्हें जान चुके हो कि पेट्रोलियम कार्बनिक सब्सटेंसेस होते हैं और बनने में इन्हें थाउजेंड्स ईयर लग चुके होते हैं. सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. नाउ फोर्थ कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बांटना. जनरली दिस वर्ड शोज द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बांटना किसी चीज को. तो देर आर टू कैटेगरीज, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज. यूबिक्विटस मीन्स होता है एवरीवेयर, दीज आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं. आप इंडिया में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, आपको मिलेगा एयर, ओके, आपको मिलेगा वाटर. तो यूबिक्विटस मीन्स एवरीवेयर, दीज रिसोर्सेस फाउंड आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं आपको. नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड, दैट मीन्स फिक्स्ड प्लेस. ये जो रिसोर्सेस होते हैं लोकलाइज्ड, ये हम एक फिक्स प्लेस पर ही होते हैं. जैसे कॉल अभी मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम बताया था, मोस्टली रिचेस्ट एरिया आर वेस्ट एशिया. नेक्स्ट इज कॉपर, एरन. इन सब के माइनिंग्स जो होते हैं फिक्स प्लेस पर होते हैं, हर जगह नहीं होती. आप चाहे आप अपने घर के आसपास माइनिंग कर लें
और वहाँ कोल और आयरन मिल जाए, आपको पेट्रोलियम मिल जाए, नॉट पॉसिबल टू हियर. ओके, तो दीज आर फिक्स प्लेसेस. सो दीज कैटेगरीज आर यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज. नाउ आई हैव कंप्लीटली डिस्क्राइब द रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोवाइडेड बाय नेचर, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ फोर, देयर आर फोर बेसिस. फर्स्ट इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऑरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, अबायोटिक एंड बायोटिक. थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटस एंड लोकलाइज. सो आई होप यू विल रीड दैम केयरफुली, लर्न दिस कंसेप्ट मैप केयरफुली. इफ यू नीड एनी हेल्प टू मी, डायरेक्टली कॉल ऑन माई पर्सनल नंबर एंड आस्क एनी क्वेश्चन. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क एनी क्वेरी अबाउट दिस कंसेप्ट मैप. थैंक यू.